कितना मक्खन हुए और वो चलाया हुआ तमाम मक्खन यहाँ फेंक दिए डस्टबिन में। कौन ये किसी के पेट में जाए? कौन है ये? ये छाया। मम्मी बुला रही तुझे, हर टाइम खाना वेस्ट करना होता है। नशी उड़ाता है, कुत्ता खा ले तो कटोरी का दे दी काम आ जाता। आम तो नहीं आम तो कितना सारा मक्खन खाता है वो। मैंने कहा तू लस्सी बना पी ले तो भूख लग रही तो ठीक है। हर चीज डस्टबिन में, हर चीज डस्टबिन में या किसी के पेट में जा सकता है। अच्छा है कि डांट पड़ रही है। मम्मी इसने देखो इसने लस्सी फेंक दी। मत करो। मम्मी से लस्सी फेंक दी, लस्सी इसमें फेंक दी शागी बच्ची ने गुस्से में, आधा गिलास भरा हुआ था भाई उसने मक्खन में वेस्ट कर दिया। मम्मी ने डांट मार दी। मुझे सुबह थोड़ी चिड़ी सी लग रही है कुछ का, तो खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए ना इसे। ऊपर चली गई, अब रोएगी दरवाजा बंद करके। तुम बंद करो उसको। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो नीचे खड़ा हूँ साइड में। हम ब्रेड लाए थे, ये ब्रेड हमें एक्सपायरी डेट वाली देती है उसने, मतलब इस पे देखो 19 तारीख तक यूज कर सकते हैं। जबकि तुमको देखना चाहिए था उस टाइम, मैंने ध्यान नहीं दिया पर मैंने ध्यान नहीं दिया। हमें लाया था ऐसे 22 तारीख को लाया था, आई थिंक 22 या 23 में लाया था, और उस टाइम पे ये देखो 19 तारीख की दी थी उसने। अब इसे खा तो सकते नहीं क्योंकि इस पे हल्का हल्का दिख रहा है, कुछ फंगस ही लग गई है क्योंकि वो खराब हो ही जाते हैं यार, क्या कर सकते हैं, डस्टबिन में डालने पड़ेंगे, पैसे वेस्ट हो गए फालतू। तेरी गलती से हुआ है, मेरी गलती। उस टाइम पे कोरोना में इतनी भीड़ रहती है, वो जल्दी जल्दी सामान ले लो ये रहता है। तो सामान ले तो देख के तो लो ना, इतना टाइम ही नहीं होता वहाँ पे, जैसे फटाफट लेना होता है। अच्छा फटाफट लेना चाहे, वो खराब हो रहा है। बड़े साव है ना, बड़े साव की क्या मतलब है भैया, उसमें नहीं देखा वो हो जाती है कभी कभी गलती। उसको नहीं ऐसे थोड़ी होता, मैं उसे इस बार बोल दूंगा, देखूंगा पैसे देगा दे देगा, मुझे लगता है तो नहीं। ले जा भाई दोबारा पटक दिया। हाँ जरूर दे जा वो ऐसे। हमारे से इस टाइम ऐसे भी नहीं खुलती दुकान, वो खुलेगी सुबह 11 बजे तक, तो कल खुलेगी, कोई फायदा नहीं है ऐसे। कोई बात नहीं छोड़ हो जाता है। नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तो चलिए शुरुआत करते हैं खूबसूरत दिन की। तो सुबह सुबह ही छाया की डांट पड़ चुकी है और अभी भी मैं भड़की हुई है थोड़ी सी मम्मी, मतलब तो अभी नाश्ता कर लेते हैं चुपचाप। छाया एकदम चुपचाप बैठी है डांट के बाद, चुपचाप पड़ रही है। आलू के साथ भिंडी कौन बनाता है भाई? आलू सब्जी बनते, आलू के साथ भिंडी अलग अलग नहीं बनाएंगे सब्जी? तो दो सब्जी बनाना जरूरी, एक ही बना लो। कौन भिंडी भिंडी सूखी सूखी सब्जी और बन जाए? ये आलू भी सूखी बनाओगे तो कौन सी चीज़ें बनाओगे? भैया मैं तो लग रही है भूख और हम पी लेते हैं अपना प्रोटीन। कुछ लोग कुछ ज़्यादा गुस्से में हैं, तो अभी यहाँ पे ये इस बात पर डिस्कशन चल रहा है कि जो इसकी आज वीडियो बनी है उसको डालना है कि नहीं डालना है, और ये बोल रही है कि मेरे से एक एग्रीमेंट साइन करो कि तुम मेरी वीडियो नहीं बनाओगे। आज इसको सही में बहुत ही अच्छी वाली डांट पड़ी मम्मी से वैसे, पर मम्मी इसने देखो लस्सी भी बेकार करी और वो मलाई भी तुम्हारी कचड़े में फेंकी। ब्रेड तो खराब हो गए थे ना वो, तू तो नहीं फेंके नहीं है वो, साइड में रखे हैं अभी, तो लो खा लो, तुम खा लो, एक्सपायर हो गए, बीमार हो ना फिर मुझसे डाल दे कि हेलो गाइस। सीटी तो बचती नहीं तेरे पे, अभी ढंग से बजा ऐसे करके। सबसे तेज सीट इसकी बजती है, छाया को भी नहीं आती। सीटी के नाम पे धोखा देते हैं लोग, कोई बात नहीं, पापा की एक यूनिक चीज रहनी चाहिए ना, पापा को दूर से पहचान। वो हंस गई थी जब मैंने सीटी दी, वो हंस रही थी। नहीं हंसती अब, कोई मतलब नहीं। अब तो मुझे कॉपी कर रहे हो, कुछ नहीं हो सकता। आज खाना थोड़ा लेट हो गया पर कोई बात नहीं, आ जाए भिंडी की सब्जी रोटी और दही। क्या हो गया भाई, मशक कली बन के किधर चली? घूमने चली। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं यही पास ही में कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाने के लिए, अपना कैमरा ले लिया हमने, और हमारे साथ सिर्फ प्रिया जा रही थी। छाया फ्री फ्रीवेंट में पता नहीं कहीं भी घुस जाती है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं रूरू की वजह से शाम हो चुकी, तुम लोग रूरू का ध्यान ही रखना, मुझे रखना पड़ेगा। तू बहुत ध्यान रखती है, होनी चाहिए साथ में, फोटो खींचने में बिजी रहोगे तुम लोग। बाकी मॉडल नंबर एक आ चुका है, ये मॉडल नंबर दो गोदी में, ठीक है चलो चलते हैं। और अभी हम जा रहे हैं भोले की जाल जो है ना उस साइड में जा रहे हैं, गर्मी लग रही है ब्रो। अच्छा ब्रो चलते हैं चलो, ठीक है ये कैमरा पकड़ो ब्रो।
You're the opposite of me, like sun and rain and drama on the TV. तो हम जाने वाले थे भोले की जाल पर, हम वहाँ नहीं गए. अभी हम आए हैं यहाँ, और ये जगह है जहाँ पे हमने अपना प्री बेबी शूट किया था. सो यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, ये पूरी रोड ऐसी खाली, बहुत सारे मतलब एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, तो यहाँ ऐसी पूरा हमें खाली खाली सा रहता है. उधर दूर हाईवे है और यहाँ पे कोई घर वर भी नहीं है, तो यहाँ तो बिना मास्क के आके फोटो वोटो खिंचवा सकते हो थोड़ी देर, मतलब अगर खुला चाहिए तो थोड़ी देर के लिए आ सकते हो. ये ऐसी जगह है, और ये भी हमारे घर के पास ही है, 4 किलोमीटर दूर है. तो हम लोग थोड़ा बाईपास पर रहते, तो ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास आसपास. तो अभी यहाँ एक दो फोटो वोटो खींचते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं घर जल्दी, क्योंकि वैसे भी अंधेरा हो गया, पर आसमान बड़ा प्यारा हो रहा है. तो अभी फोटो शूट वगैरह हो गया पूरा, ये लोग बैठ गए अंदर, तो अभी घर चलते हैं. पर एक इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी थी मेरे को, कि मैं क्या सोच रहा हूँ कि सुबह 8 बजे मेरे ये वाले व्लॉग आते हैं जो मैं नॉर्मली घर के डेली व्लॉग्स बना रहा हूँ, पर मेरे पास ना बहुत सारे ट्रैवल के व्लॉग्स पड़े हुए हैं जो कि मैंने पुराने वाले चैनल पर अपलोड किए थे. तो बहुत सारे लोग नए हैं जो कि अभी नहीं जानते मेरे पुराने चैनल के बारे में. तो बेसिकली मैं ट्रैवल करता था, ट्रैवल व्लॉग्स बनाता था, पर अभी सारे के सारे व्लॉग्स चाहे ट्रैवल हों चाहे कोई से भी हों, वो सब इसी चैनल पर आने वाले. तो उसमें बहुत सारी एक ऐसी सीरीज है, जैसे कि एक मनाली वाली सीरीज है. तो मनाली वाली सीरीज में पूरा 30 दिन के व्लॉग है, बहुत अच्छे काफ़ी सही मतलब व्लॉग है, मुझे लगता है काफ़ी सही कंटेंट मैंने बनाया था. तो मैं सोच रहा हूँ कि सुबह तो ये वाले व्लॉग आएंगे 8 बजे, और शाम को जो है 6 बजे 7 बजे कोई एक टाइम डिसाइड करके, और मैं उन व्लॉग्स को भी अपलोड करूँ. तो अभी यहाँ पर मतलब कोई ट्रक व्रक है जो आवाज़ कर रहा है ऐसी अजीब सी, बाकी तो कोई यहाँ होता ही नहीं है. ठीक है, तो अभी चलो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं शाम को वो अपलोड करना शुरू कर दूँ. बाकी मेरे पर मनाली के अलावा भी बहुत सारी ऐसी सीरीज़ हैं जो हमने बनाई थी, और उस टाइम पे सिवन प्रेगनेंट थी, उस टाइम पे हमने बहुत ट्रैवल किया था, बहुत सही सही जगह. तो जो नए लोग हैं जिनको अभी जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लेंगे, और जो नए लोग आएंगे अभी वो भी उनके लिए भी रहेगा कि हाँ उनको एक ही चैनल पर सब कुछ मिल जाएगा. तो दिन में 2 वीडियोस आएंगे, एक तो सुबह जो मैं नॉर्मली डालता हूँ डेली व्लॉग, और एक जो मेरी पूरी ट्रैवल की सीरीज है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे रूरू 1 साल की हो जाती है या फिर थोड़ा सा चीज़ें सही हो जाए कोरोना वगैरह की, तो हम दोबारा से ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे. क्योंकि ट्रैवल यार अपनी मतलब अंदर से है, वो ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना खुद को ही मज़ा नहीं आता, और व्लॉग करने में अलग ही मज़ा आता है कि ट्रैवल व्लॉग जो होते हैं. तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ, तो आप नीचे कमेंट करके बताना कि मैं ये सोच रहा हूँ कैसा रहेगा, कि आपको दिन में 2 व्लॉग मिलेंगे, सुबह डेली व्लॉग और शाम को ट्रैवल के जो मेरे पुराने वीडियोस हैं. ठीक है, बाकी मेरे पास बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो मैंने उस चैनल पर भी नहीं डाले, तो मैं उन्हें भी एडिट करके बाद में शाम को डाल दूंगा. ठीक है, चलो अभी घर चलते हैं, क्योंकि शाम हो गई है, अंधेरा हो गया है, और बस ठीक है. यहाँ पर लोग एक आधी स्कूटी या कोई कार चलाना सीखने आ जाता है, क्योंकि यहाँ खाली पड़ा रहता है ऐसी. चलें मैडम, गर्मी मर गए, मच्छर भी थे यहाँ पे, है ना, मच्छर गर्मी सब था यहाँ पे. तो ये डिनर हो गया पूरा. आज डिनर में प्रिया ने बनाई थी एग करी, काफ़ी सही बनाई थी. ठीक है, तो अभी कर लेते हैं एडिटिंग, काम ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत बाहर घूम के आएंगे पैदल पैदल, क्योंकि लगभग 11 बजे के आसपास पूरी कॉलोनी में कोई होता नहीं है घूमने वाला, तो हम लोग घूम सकते हैं. वहाँ चलिए रूरू की मसाज, और मेरी एडिटिंग हो चुकी है पूरी. हाँ भाई, बड़ा मज़ा आ रहा है मसाज करवाने तुमको, हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है. बाय बोल दे सबको, चलो बाय. पंखा देख रही है, पंखा और लाइट इनको देखती रहती है. तो हम लोग नीचे घूमने वाले थे, पर हमने सोचा कि छत पर घूमना इज बेटर ऑप्शन, क्योंकि अभी नीचे कुत्ते वगैरह भी भौंक रहे हैं, सो आई थिंक नीचे अभी सही नहीं है, और वैसे भी रात हो रही है, तो ऊपर छत पर घूम लेते हैं, टाइम लगा के आधे घंटे. और चलो चलते हैं, वीडियो यहाँ खत्म कर लेते हैं. सो इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट. अभी के लिए नमस्ते, अलविदा, टाटा, और हाँ बाय बाय. और सब्सक्राइब करके जाना, और कमेंट में ये जरूर बताना कि दिन में 2 वीडियो ठीक है ना. आई थिंक सुबह 8 बजे ये वीडियोस आएंगी, और शाम को 6 बजे कर लेते हैं, 6 या 7 ये तुम लिख दें, बता देना, जिस हिसाब से होगा एडजस्ट कर लेंगे, तो आपको वीडियो आई जाएगी फिर कल से. और बाकी आप बता दोगे तो उस हिसाब से और सही है, बता दो सही ऑप्शन है कि नहीं, क्योंकि आने वाले टाइम में हम जब ट्रैवल करेंगे तो यार वो सब इस पे आने वाला है, तो आई थिंक सब एक ही जगह रहेगा, तो आई थिंक सही रहेगा. और जिन लोगों ने देखी भी, अगर वो दोबारा भी देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरे को कमेंट्स करके बोलते हैं कि हमने आपकी मनाली वाली जो सीरीज है वो कम से कम 15 बार 16 बार देखी है, और अभी भी मन नहीं भरता, क्योंकि वो बहुत अच्छी बनी है. सो आप अगर दोबारा देख लेंगे तो कोई बात नहीं, जिन्होंने देखी है वो दोबारा देख लेना, जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए तो एकदम मज़ा आने वाला उनको. ठीक है, चलो मिलते हैं फिर कल, अभी के लिए बाय.